यूपी के मिर्जापुर में कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रमोद तिवारी ने कहा कि योगी उत्तर प्रदेश नहीं चला रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रमोद तिवारी ने कहा कि पीएम चुनावी चकल्लस में फंसे हैं, भारत के होनहार यूक्रेन में आखिरी सांस गिन रहे हैं। वे गुरुवार को नगर के गैपुरा तथा 96 सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के महाशक्ति शक्ति इंटर कॉलेज में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पूर्व राज्यसभा सांसद ने बगैर लाग लपेट के कहा कि मोदी जी को मालूम है कि योगी हमारे लिए खतरा है, वह तो जा रहे हैं, हम कम से कम अपना संसदीय क्षेत्र बचा ले, इसलिए 5 दिनों से काशी में डेरा डाले हुए हैं। कहा कि योगी राज में छुट्टा साढ़ खेत चर गए। कांग्रेस सत्ता आई तो छत्तीसगढ़ की तरह 2 रुपये किलो गोबर खरीदा जाएगा। आरोप लगाया कि चारा भूसा भाजपाई खा गए, गौवंश भूख से दम तोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने खुलासा किया कि भारत के छात्रों को यूक्रेन की सेना ढाल बनाकर लड़ रही है। एयर इंडिया टाटा कंपनी को बेच दिए जाने के बाद अब यूक्रेन से आने जाने का किराया 1 लाख से अधिक हो गया है, पहले मात्र 11,000 रुपये था। मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि इंदिरा जी अटल जी पीएम होते तो रूस में बैठकर छात्रों को सकुशल वापस ले आते। पेश है मिर्जापुर से सुधीर सिंह की खास रिपोर्ट। सर बताएं आज आप मिर्जापुर पे मैं क्या कार्यक्रम? आज कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रियंका जी के निर्देश पर मिर्जापुर आया हूँ। मैं अपील करता हूं कि सोनभद्र और मिर्जापुर के सभी कांग्रेस प्रत्याशियों को जनता आशीर्वाद दे। पिछले 32 साल में मिर्जापुर सोनभद्र का विकास नहीं हुआ। मैं खुद बिजली मंत्री रहा हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जब से गैर कांग्रेसी सरकारें आई हैं बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा, बल्कि जो था उसको बेचा गया। प्रियंका जी ने मुझे ख़ास तौर से निर्देश दिया था कि आप भगवती चौधरी जी के क्षेत्र में जाएं, राजन भाई के क्षेत्र में जाएं, मुझे और पार्टी को इन दोनों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैंने इन दोनों की बैठक की। अभी मैं और भी आऊँगा, प्रयास करूँगा, लेकिन मैं इतना अपील करूँगा कि जिस सरकार ने महंगाई आसमान पर पहुँचा दी, 110 रुपये पेट्रोल बिक गया, 15 रुपये प्रस्तावित, यानी 125 का हो जाएगा, सिलेंडर 1,000 रुपये पहुँचा दिया, 300, डीजल और पेट्रोल बराबर कर दिया, यानी कि अडानी की गाड़ी में भी उसी भाव में डीजल पेट्रोल भरेगा जितने में गैस ट्रैक्टर में भरता है। कोरोना में लाखों लोगों को मार डाला, कई लाख लोगों बिना दवाई के, बिना ऑक्सीजन के, वैक्सीन बाहर भेज दी। अगर वो पहले आ गई होती तो ये दुर्दशा हमारी न होती। चौथी चीज़, इस सरकार में जात विरादरी धर्म देखकर बुलडोजर चला है। भाजपा का अगर बड़ा सा बड़ा अपराधी है, बगल में देख लीजिए जौनपुर में, अगर उसने भाजपा का दुपट्टा ओढ़ लिया तो फिर वो क्रिकेट खेले या जो करे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रियंका जी ने जिस हिसाब से घोषणाएं कर रखी हैं, क्या सरकार बनने के बाद वो पूरी हो जाएगी? मैं आपको दो चीज़ें पहले बता दूँ। सबसे बड़ी बात, जो ये माफिया माफिया की बात करते हैं, मैंने अपनी आंखों से माफियाओं को मंत्री बनाते देखा है। भाजपा को जिक्र कर रहा हूँ मैं, 1996 1996।